तेलुगु में लिखा रहता है तो क्या ही मतलब समझ पाएंगे, हमको तो तेलुगु आता नहीं है। और छेद छेद है तिरपाल, नया तिरपाल लाएगा तो फिर ऊपर में डालेंगे दोस्तों। और यहाँ पर कुछ कुछ लगाए हैं, पता नहीं क्या लगाए। अभी तो खाते हैं आम थोड़ा, मेरे सो गया है दोस्तों बेबी। क्या क्या लग रहा है बताओ। हमारे बड़े भी इधर ही सो गए हैं दोस्तों, अंदर नहीं सोया। हेलो दोस्तों, हमारी भगतपुर के ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत है। और दोस्तों बज रहा है शाम के 4 बज रहा है दोस्तों, और मैं इधर घूमने के लिए आया था। और आज मतलब ईद बनाने वाले थे दोस्तों, पहला दिन, और क्या ही बताएं, पहला दिन ही मतलब बारिश हो गया दोस्तों, तो इसीलिए मतलब यहाँ पर घूमने के लिए आए थे इधर। और इधर एक स्कूल टाइप का है दोस्तों, पता नहीं स्कूल है कि क्या है, तो मुझे भी पता नहीं है। और पहले पहले बार आए तो मतलब घूमने के लिए आए थे इधर। और इधर देख सकते हैं दोस्तों नज़ारा, देख सकते हैं कितना हरा भरा, मतलब काफ़ी अच्छा दिख रहा है दोस्तों, देखने में काफ़ी खूबसूरत। और देख सकते हैं आम का पेड़ है, बहुत सारा इधर आम का पेड़ लगा हुआ है दोस्तों। और इधर साइड पत्थर है देख सकते हैं, और ये तो पता नहीं स्कूल है कि क्या है, तो सामने जाने से भी पता नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि तेलुगु में लिखा रहता है तो क्या ही मतलब समझ पाएंगे, हमको तो तेलुगु आता नहीं है, तो इसीलिए मतलब जाने से भी मतलब पता नहीं चलेगा। बच्चे बच्चे मतलब यहाँ पर रहेंगे तो पता चल जाएगा ड्रेस को देखकर। और देख सकते हैं जिधर भी देखने से दोस्तों पत्थर ही पत्थर है, देख सकते हैं यहाँ पर भी कितना बड़ा बड़ा पत्थर है दोस्तों। और नज़ारा देख लीजिए कितना खूबसूरत है। और इधर है हमारा दोस्तों ईंट का भट्टी, मतलब फैक्ट्री, ईंट का फैक्ट्री इधर है हमारा, इधर से आया हूँ दोस्तों। और देख लीजिए उधर भी मतलब काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, हरा हरा पूरा, क्या ही बताएं, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। यहाँ पर मतलब घूमने के लिए आया तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि दोस्तों हरा भरा और पहाड़ पत्थर, छोटा छोटा पहाड़, बड़ा बड़ा तो नहीं। और इधर देख सकते हैं रोड भी मतलब गजब का रोड है, आप लोगों को आगे जाकर दिखाते हैं दोस्तों। और यहाँ पर कुछ कुछ लगाए हैं, पता नहीं क्या लगाए। तो उधर आम का पेड़ है देख सकते हैं, बहुत सारा आम का पेड़ बहुत ही है। और इधर बड़ा वाला पत्थर है इधर, और इधर भी है, और इधर रोड का देख लीजिए किस तरह से है, मतलब टनलिंग है। और आगे में है हमारा ईंट का फैक्ट्री, इधर भी एक टर्निंग है दोस्तों, मतलब यहाँ से ऐसे जाएंगे तो मतलब हमारा ईंट का फैक्ट्री जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर हरा भरा घास देख सकते हैं, जो हमारा ईंट का जो फैक्ट्री है उसका मालिक का है, देख सकते हैं कितना सारा आम पेड़ है, और पता नहीं कौन कौन सा घास लगाया हुआ है। और इधर साइड से देखिए दोस्तों किस तरह से दिख रहा है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और इधर भी बहुत ही मतलब दूर से दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर हाइट है इसीलिए यहाँ पर ऊंचाई है, उधर नीचे है इसीलिए मतलब दिखाई दे रहा है बहुत दूर से, तो काफ़ी अच्छा दिखता है। तो अभी जाते हैं दोस्तों इस साइड। हमारे किचन का दोस्तों हालत ख़राब हो गया, क्या ही बताएं, देख सकते हैं नीचे में पूरा पानी है दोस्तों, पानी ही पानी, क्योंकि दोस्तों तिरपाल मतलब छेद छेद है, पुराना वाला तिरपाल है, इसी कारण देख सकते हैं इधर से भी पानी भरा हुआ है ऊपर ऊपर में, वही को गिरा रहा है दोस्तों हमारे छोटा बीवी दोस्तों। इधर देख सकते हैं हमारे चूल्हा, इधर क्या हालत हो गया है पानी में, और नया तिरपाल नहीं दिया है दोस्तों, नया तिरपाल लाएगा तो फिर इधर भी देख सकते हैं, इधर भी निकल रहा है पानी, इसी पानी को मतलब गिरा रहा है बाहर तरफ, और छेद छेद है तिरपाल, नया तिरपाल लाएगा तो फिर ऊपर में डालेंगे दोस्तों, तभी अच्छा होगा। मालिक ने बोला है कि नया तिरपाल ला दूंगा, बल्कि पता नहीं कब लाएगा। दोपहर का 1 बज रहा है दोस्तों, और हम लोग मतलब जा रहे हैं टाउन दोस्तों हॉस्पिटल, हमारे बड़ा बीवी का तबीयत ख़राब है दोस्तों। और इधर देख सकते हैं बैठा हुआ है, और क्या क्या लग रहा है बताओ। छाती में दर्द हो रहा है, और क्या बोलते हैं खांसी है ना, दर्द कर रहा है छाती दोस्तों, क्या ही बताएं। उधर आम पकड़े हैं देख सकते हैं, पकड़ा हुआ है मतलब उधर है आम, आधा किलोमीटर आ गए हैं ना, आधा किलोमीटर हम लोग आ गए हैं दोस्तों, और अभी आधा किलोमीटर हम लोग को और जाना है। तो दिखा रहे हैं दोस्तों इस साइड, मतलब आधा किलोमीटर अभी जाना है, तो मतलब
क्या ही बताएं, बहुत ही दिक्कत हो जा रहा है क्योंकि हमारे बड़े मतलब काफ़ी परेशानी हो रहा है दोस्तों चलने में, इसलिए इधर हम लोग बैठे हैं, है कि नहीं। हाँ। और इधर ऑटो ऑटो नहीं मिलता है दोस्तों, जब हम लोग मेन रोड में जाएंगे बड़ा वाला रोड में तो वहाँ पर मतलब ऑटो मिलेगा या तो बस मिलेगा, तो वहाँ से हम लोग जाएंगे टाउन, है कि नहीं। हाँ। और अभी हम लोग को पैदल जाना है। और इधर खुशमिता ये भी मतलब क्या क्या हो गया है आप लोग दिखा रहे हैं दोस्तों, जो काला काला और भेलवा बोलते हैं, इधर दिखा दो, इधर दिखा, तो देख सकते हैं दोस्तों उसको खा लिया, तो मतलब उसका बीज को खा लिया, तो देख सकते हैं दोस्तों घाव हो गया इधर, तो इसके लिए भी दवा लाना है। और इसका भी मतलब तबीयत भी सही नहीं है, इसके लिए भी मतलब दवा ववा लाना है कि नहीं। हाँ। और हमारे छोटा बीबी घर पर है दोस्तों, और कल तो मतलब बारिश हो गया तो क्या ही बताएं, और आज इतना धूप कर रहा है, गर्मी कर रहा है, तो पूछो मत। तो अभी जाते हैं दोस्तों, देखते हैं ऑटो ऑटो, उसके बाद फिर चलते हैं हॉस्पिटल, है कि नहीं। हाँ। और पता नहीं मतलब जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पर आके बैठ गया है दोस्तों हमारे बड़ा बीबी। चलो और थोड़ा आधा दूर और आधा किलोमीटर और है, थोड़ा थोड़ा रुकते रुकते चले जाएंगे अगर चल नहीं पाएगा तो, और आधा किलोमीटर और इधर जाना है, चलें। हाँ। तो चलते हैं दोस्तों। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मेन रोड के पास में, और इधर देख सकते हैं ये दोस्तों मेन रोड, और बहुत मुश्किल के बाद यहां पर पहुंचे हैं, है कि नहीं। हाँ। और इसको तो मतलब काफ़ी दिक्कत हुआ दोस्तों, क्या ही बताएं, इधर देख सकते हैं कितना दूर है, बहुत दूर है। तो अभी यहाँ पर बैठते हैं दोस्तों, अभी ऑटो ऑटो आएगा तो फिर उसके बाद फिर बैठेंगे, है कि नहीं। हाँ। और हम लोगों को इधर जाना है, इधर ऑटो अभी से मतलब नहीं आया है दोस्तों, तो मैं खा रहा हूँ आम, देख सकते हैं बाहर से दोस्तों दिख रहा है कच्चा, और अंदर से देख सकते हैं पक्का है। और इधर से आएगा दोस्तों ऑटो, और पता नहीं ऑटो नहीं आ रहा है, ये सॉरी इधर से नहीं, इधर से आएगा दोस्तों, इधर से आएगा ऑटो, और इधर से मतलब एक भी इधर नहीं जा रहा है, इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, लेकिन इधर से इधर नहीं जा रहा है दोस्तों, है कि नहीं। हाँ। बहुत समय से यहाँ पर बैठे हैं दोस्तों, इधर बेबी, बेबी को दिखाई, इधर इधर सो गया है दोस्तों बेबी, देख सकते हैं बहुत ही गहरी नींद में है। और इधर सुष्मिता ये भी खा रहा है दोस्तों आम, और देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है दोस्तों। और आप लोगों को और एक आम दिखा रहा हूँ दोस्तों, पक्का आम, तो देख सकते हैं ये भी मतलब बहुत ही पक्का है, इसीलिए मतलब इसको नहीं खा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हाथ वाथ में लग जाएगा तो पानी वानी नहीं पकड़े हैं, तो इसीलिए ये वाला को खा रहे हैं दोस्तों, और देखते हैं कब तक आता है। अभी खाते हैं आम, थोड़ा बहुत मीठा है, हमारे बड़ा भी तभी मतलब नहीं खाएगा, है कि नहीं। हाँ। क्योंकि अभी 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 मतलब बेबी आया हुआ है, इसीलिए कितना दिन हो रहा है, महीना दिन नहीं 20 दिन ज़्यादा हो गए, 20-22 दिन हो रहा है दोस्तों, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है। और देखते हैं कब तक ऑटो आता है, देख सकते हैं पूरा खाली है इधर, और इधर भी खाली है, और इधर से आएगा ऑटो। दोस्तों हम लोग घर पर आ गए हैं दोस्तों बहुत ही मुश्किल में, और इधर देख सकते हैं हमारे बड़े भी इधर ही सो गया है दोस्तों, अंदर नहीं सोया, यहाँ पर बैठा था यहाँ पर सो गया है। और इधर खुशमिता चॉकलेट खा रहे दोस्तों, मार्केट से लाए थे, और इधर है उस्मिता, ये भी खा रहा है दोस्तों लॉलीपॉप, इधर देखो ये भी खा रहा है दोस्तों लॉलीपॉप। और अभी मैं भी खाना वाना खाता हूँ दोस्तों, भूख भी लग रहा है, अभी जाते हैं खाना वाना खाते हैं दोस्तों, खाना वाना खा लिए हैं दोस्तों। और इधर हमारे छोटा बीबी, बच्चे लोग मतलब इसको परेशान कर रहे हैं हमारे छोटा बीबी को, दोनों बच्चे लॉलीपॉप को मतलब दे रहा है, तो मतलब फिर मांग ले रहा है, फिर दे रहा है, फिर मांग ले रहा है, मतलब इसको बहुत परेशान करते हैं हमारे दोनों बच्चे, क्या ही बताएं। दोस्तों नहा वहा के मतलब यहाँ पर बैठे हैं दोस्तों, यहाँ पर छाए हैं तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है दोस्तों। और दोस्तों हमारे लाइफ में मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत आते ही रहता है दोस्तों, क्या ही बताएं। और पता नहीं तुम्हारे लाइफ में मतलब इससे प्रॉब्लम आता है कि नहीं आता है, हमारे लाइफ में तो काफ़ी प्रॉब्लम आता है, आप लोग देखते ही होंगे दोस्तों। और क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो भगवान चाहेगा वही हो के रहेगा। और देखते हैं हमारे बड़ा बीबी कब तक ठीक होता है, और ब्लॉग को एंड करते हैं दोस्तों। और तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम आता है कि नहीं ज़्यादातर, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब
कर लेना, अगर नए होंगे तो नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।